हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 4.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो, वी हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। शायद आपने पहले नाम नहीं सुना होगा। हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। पी क्यू आर एस, उसको क्या देना है नाम। तो सबसे पहले बेटा यही कर लेते हैं, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, विच हैविंग फोर साइड्स, एटलीस्ट क्या हो, फोर साइड्स। ए फिगर विच हैविंग फोर साइड्स, इसकी फोर साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज मैंने ड्रॉ किया, आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर उसके बाद बोला उसने ड्रॉ इट्स डायगनल्स, क्या करना है, इसके डायगनल्स को ड्रॉ करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डायगनल्स बेटा, डायगनल का मतलब होता है जो अपोजिट पॉइंट्स होते हैं, अपोजिट यानी कि आमने सामने। आमने सामने पी के सामने क्या है आर, क्यू के सामने क्या है एस, ठीक है, इनको क्या कर दूँ कनेक्ट, तो ये क्या बना देंगे डायगनल। इनके अपोजिट साइड्स को मैंने, पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया कनेक्ट, तो ये बन गए इसके डायगनल्स। और मैंने माना ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया ओ। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया ओ। देखो फिर नेम दैम, नाम मैंने दे दिया ओ, और आपके पास डायगनल क्या है बेटा, क्यू एस एंड पी आर। अगर मैं डायगनल की बात करूँ, डायगनल्स के नाम क्या आए हैं बेटा, यहाँ से पी आर एस क्यू, क्या आ गया यहाँ से पी आर एस क्यू। नेक्स्ट उसने बोला इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स, दोनों डायगनल्स का जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट यानी कि ओ पे मीट हो रहे हैं दोनों। इसने बोला इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर है या एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की साइड, और आपका जो ओ पॉइंट है वो कहाँ है बेटा, इंटीरियर साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, इंटीरियर, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इंटीरियर। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू ड्रॉ एन अनदर क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है के एल एम एन, ठीक है, जिसका नाम क्या है के एल एम एन, ठीक है, ठीक है। क्या बोला उसने, रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है के एल एम एन, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा अपनी साइड से, वही फोर साइड्स हैं, ठीक है, थीके? ये आपका के, ये आपका एल, ये आपका एम, ये आपका एन। उसने बोला स्टेट टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, फर्स्ट इज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। बेटा अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, आमने सामने। जैसे इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, के एल के सामने कौन सी है एन एम, ठीक है, के एल के सामने कौन सी है एन एम, तो के एल अपोजिट हो गई बेटा किसके, एन एम की। दूसरा क्या है, के एन, के एन इज अपोजिट टू एम एल, जो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, अपोजिट सामने, आमने सामने, ठीक है। तो यहाँ से के एन इज अपोजिट टू एम एल, के एन इज अपोजिट टू एम एल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट में बोले टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, वी हैव टू टू राइट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के पेयर क्या करने हैं, निकालने हैं। देखो बेटा अपोजिट का मैंने क्या बताया, आमने सामने। देखो बेटा ये तो इसके सामने नहीं है, इसके सामने क्या है ये, ठीक है, इसके सामने क्या है ये, और इसके सामने क्या है ये, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, के एन इज अपोजिट टू एल, तो यहाँ से आ गया एंगल एन इज अपोजिट टू एंगल एल, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है बेटा, के इज अपोजिट टू एम, के इज अपोजिट टू एम। नाउ थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू
pairs of adjacent sides. Adjacent sides का मतलब क्या होता है बेटा? साथ वाले. Adjacent side का मतलब क्या होता है? साथ वाले. जैसे मैं बात करूँ this, ये वाली side इसके साथ है, कनेक्टेड है ना बेटा दोनों साथ में, तो यानी कि ये वाली साइड इसके साथ है. तो यहाँ से क्या आ गया? के एल इज एडजेसेंट टू के एन, के एल और के एन. ठीक है, मेरे को सिर्फ टू पेयर लिखने हैं बेटा. इन सेम वे ये वाली साइड इसके एडजेसेंट एन एम एम एल, सेकेंड क्या हो जाएगा? एन एम और एम एल. आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो एम एल के एल, इट्स योर चॉइस. ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होगा? वही साथ वाले एंगल. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वही साथ वाले एंगल्स. मैंने बोला था जो ये हैं ये होंगे अपोजिट. अब एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे जो साथ वाले एंगल हैं उनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल. कौन कौन से हैं बेटा? के और एल. तो एंगल के और एंगल एल. नेक्स्ट क्या है बेटा? इन सेम वे एंगल एन और एंगल एम, क्या हो जाएगा? एंगल एन और एंगल एम. ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर. थैंक यू सो मच.